Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, after discussing all those points where we have discussed about the IPO process, benefit of computers and the places where computers are used, now the next point that we have to discuss here is input devices. Fine, so this is the next topic. यहाँ पे हमें डिस्कस करना है इनपुट डिवाइसेस के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डेटा, ठीक है, एनी हार्डवेयर कंपोनेंट, वो हार्डवेयर का कोई भी कंपोनेंट जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शन एंड कमांड देते हैं कंप्यूटर को, इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस. उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एन इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट इज, हियर आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस. सो द वेरी फर्स्ट वन इज कीबोर्ड. नाउ अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट कंटेन्स की. सी दिस इज अ कीबोर्ड एंड हियर यू कैन सी लॉट्स ऑफ कीज. अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट कंटेन कीज. यू प्रेस इट्स कीज टू टाइप इंफॉर्मेशन एंड एंटर इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो. You press its key to type information and enter instruction for the computer to follow. Now, desktop computer keyboard typically have 101 to 105 key. A desktop computer have 101 to 105 keys. Next is mouse. A mouse is what? It's a pointing device that fits comfortably under the palm of your hand. So it fits comfortably under the palm of your hand. So here we are talking about the mouse. You can use the mouse to select or move items on the screen. You can use the mouse to select or move items on the screen. ठीक है, स्क्रीन पे हम माउस की मदद से चीजों को मूव कर सकते हैं. अब जैसे मैंने माउस की मदद से ये जो विंडो पैनल खुला था, बुक खुली थी, इसको देखो मैंने मिनिमाइज किया, नाउ आई कैन मूव इट इजली, है ना. सी आई कैन मूव इट, फाइन. नाउ मूविंग अहेड, सो देयर आर टू बटन्स, ठीक है, एंड अ स्क्रॉल व्हील. द बॉटम ऑफ अ माउस इज फ्लैट एंड कंटेन्स अ मैकेनिज्म दैट डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस. नेक्स्ट इज स्कैनर. A scanner is an input device used to send images and text directly into your computer. Scanner is what? A scanner is an input device that is used to send text directly into the computer. So you can scan images such as photographs, drawing, logos into a computer. Commonly used scanners are flatbed scanner and handheld scanner. Flatbed and handheld are the common scanner. Now this scanner works similar to a photocopy machine. These scanner flatbed scanners, these worked as a photocopy machine, except that it create a file of the document in the memory of a computer. It creates a file in the memory of the computer. Computer ki memory mein ye यूज करते हैं. ओके, नाउ दीज, देखो इसको ये देखने में भी कैसे हैं, फोटोकॉपी मशीन की तरह ही ये कुछ दिखते हैं, है ना. ये देखने में भी आपको फोटोकॉपी मशीन की तरह ही दिखेंगे. डिफरेंस क्या होता है कि ये बाहर की चीजों को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं. कहने का मतलब कि सपोज इफ आई वॉन्ट कि मेरी बुक की इमेजेस मेरे कंप्यूटर में आ जाए, सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं स्कैनर का यूज़ करके उन पेजेस को स्कैन करूँगी और फिर वो मेरे मॉनिटर पे मुझे दिखने लगेंगे. ओके, नाउ हैंड हेल्ड स्कैनर. नेक्स्ट इज व्हाट, हैंड हेल्ड स्कैनर. Handheld scanner, it is a portable device. Handheld scanner is what? It's a portable device
दैट कैन बी हेल्ड इन वन हैंड. ठीक है, इसको एक हाथ में पकड़ के, ये आपने देखा होगा नॉर्मली कहाँ पे, शॉपिंग स्टोर में. ठीक है, सिमिलरली वी आर हैविंग हियर, बार कोड रीडर. सो द मोस्ट प्रोडक्ट इन द शॉप्स हैव द बार कोड ऑन देम. ठीक है, बार कोड मतलब देखो ऐसी लाइंस बनी होती हैं, आपके बुक के एंड में भी बार कोड होते हैं. ठीक है, आपके बुक में भी क्या होती है, इस तरह की लाइन होती है. करेक्ट, ओके. सो बार कोड रीडर, मोस्ट प्रोडक्ट इन द शॉप हैव अ बार कोड ऑन देम. अ बार कोड इज अ सेट ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट लाइक इट्स प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सेट्रा. सो व्हेन स्कैन, बार कोड रीडर से जब हम इसको स्कैन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन वी स्कैन इट विद द हेल्प ऑफ बार कोड रीडर, सो व्हाट हैपन दैट ऑल दीज डिटेल्स, द प्राइस, द मैन्युफैक्चरिंग डेट, ऑल दीज डिटेल वी कैन गेट हियर इन, वी कैन गेट इट इन अवर मॉनिटर्स. ठीक है, नाउ बार कोड रीडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बार कोड स्कैनर. बार कोड रीडर को हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज अ बार कोड स्कैनर. इट इज यूज टू इनपुट डेटा फ्रॉम द बार कोड. बार कोड रीडर, इट इज यूज टू इनपुट द डेटा फ्रॉम द बार कोड स्कैनर. ओके, मूविंग अहेड, जॉयस्टिक. Joystick is a pointing device which is used to control the action in a computer game. A computer game में joystick का क्या होता है? It's an act used to control the action. It has a vertical lever mounted on the base. You move the lever in a different direction. तो देखो अब ये बार, ये क्या है? This is the joystick. और अभी यहाँ पे जो ये आपको handle देख रहा है, इसको move करके what you can move the car, you can मूव द बाइक, जैसे कि गेम्स में होता है, यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट. फाइन, नाउ द नेक्स्ट इज ग्राफिक टैबलेट. ठीक है, टैबलेट तो यू नो वेरी वेल. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, ग्राफिक टैबलेट. ग्राफिक टैबलेट ऑल्सो कॉल द डिजिटाइजर इज एन इनपुट, इज एन इनपुट डिवाइस विच हैज अ स्पेशल पेन. सी, इस पेन को वो क्या कहते हैं, वी कॉल इट स्टाइलस टू राइट ऑन इट. It is used to draw image on the computer as well as to give instruction to the computer. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें फिंगर का यूज नहीं करना होगा. वी कैन यूज दिस स्टाइलस, दैट इज अ स्पेशल डिवाइस, और इसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, हम कमांड दे पाएंगे अपने टैब को. नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा. सी, ऑल दीज आर द इनपुट डिवाइसेस. डिजिटल कैमरा यू नो वेरी वेल. अब जैसे मेरे कंप्यूटर में भी एक, मेरे लैपटॉप में भी डिजिटल कैमरा के लिए पोर्ट है. तो व्हाट इज डिजिटल कैमरा? अ डिजिटल कैमरा इज आल्सो कॉल्ड द डिजी कैम, इज एन इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर एंड स्टोर फोटोग्राफी. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी अपना कैमरा ऑन करूँ, यहाँ पे सर्च करके मैं अगर कैमरा ऑन करूँ, तो व्हाट विल हैपन, कैमरा ऑन करके क्या होगा, आई विल गेट माई पिक्चर देयर, है ना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर. सो MICR इज एन इनपुट, MICR रीडर इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड एंड आइडेंटिफाई द मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन अ डॉक्यूमेंट सच एज चेक. चेक पे जैसे ये चेक नंबर और ये सारी चीजें होती हैं, दीज आर द मैग्नेटिक इंक. ठीक है, दीज आर वॉट, दीज आर द मैग्नेटिक इंक. और इसको हम किससे रीड करते हैं, वी रीड इट विद द हेल्प ऑफ MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर से आप इसको रीड करते हो. गॉट इट? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज टच स्क्रीन. ठीक है, अभी अगला टॉपिक हमने क्या देखना है, वी हैव टू सी द टच स्क्रीन.
So touch screen is a screen that you can touch with your finger to input information. Touch screen is a screen that you touch with your finger to input information. Your finger acts as a pointing device. Tablet, PC, smartphone and ATM uses touch screen to input information. देखो ATM में भी क्या होता है? In ATM also what happens? You see in ATM also you see the टच स्क्रीन फीचर. ठीक है, एटीएम में भी आपको क्या नज़र आता है? आपको टच स्क्रीन वहाँ पे भी नज़र आता है. वो बोलते हैं ना कि लिखा रहता है कि हिंदी में संदेश के लिए क्लिक करें, इंग्लिश में संदेश के लिए क्लिक करें. सो दैट इज टच स्क्रीन. सो अ टच स्क्रीन इज अ स्क्रीन दैट यू कैन टच विथ योर फिंगर. तो यहाँ पे क्या होता है, आप अपनी फिंगर मतलब अपनी फिंगर की हेल्प से आप क्या करते हो, आप कमांड देते हो कंप्यूटर को. ठीक है, यू गिव कमांड टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ फिंगर ओनली. आप फिंगर की हेल्प से क्या करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं. ओके, इन टच स्क्रीन. तो अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है? इन पॉइंटिंग डिवाइसेस, इन टैबलेट, घर में अभी जो अपना सेलफोन भी यूज करते हैं, मतलब वो स्मार्टफोन भी यूज करते हैं, वो भी किस फंक्शन पे काम करता है? वो भी टच स्क्रीन फंक्शन पर ही काम करता है. What is written here? You usually interact with a touch screen using a gesture. Now, what is a gesture? Gesture is a motion you make on a screen with the tip of your one or more finger, your hand. Gesture क्या होता है? जब हम देखो कंप्यूटर में gesture का क्या मतलब हो रहा है? जब हम अपने स्क्रीन को सिंगल फिंगर या मोर देन वन फिंगर से जब हम टच करते हैं, ठीक है? Now tap. Tap quickly touches and release one finger one time. Activate a link or press a button. अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, टैप किया. आप देखो टैप कर से ही क्या हुआ, ये जो लिंक थी ये लिंक क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई. फिर से देखो लिंक क्या हो गई, एक्टिवेट. नेक्स्ट डबल टैप, रन अ प्रोग्राम और ऐप और जूम इन. अगर मैं डबल टैप करूँ, देखो मैंने अभी इसको छोटा किया, अगर मैं यहाँ पर डबल टैप करूँ, देखो जूम हुआ. और अगर मान लो मुझे कोई प्रोग्राम रन करना है, सपोज इफ आई वांट टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट पेज, तो आई विल डबल टैप हियर एंड आई विल गेट द रिजल्ट. नेक्स्ट इज व्हाट, प्रेस एंड होल्ड. प्रेस एंड होल्ड वन फिंगर टू कॉज एन एक्शन टू अकर अंटिल एन एक्चुअल अकॉर्ड. मतलब डिस्प्ले अ शॉर्टकट मेन्यू. प्रेस एंड होल्ड से क्या होता है, वी कैन गेट अ शॉर्टकट मेन्यू. ठीक है, ड्रैगन स्लाइड मूव एन आइटम अराउंड द स्क्रीन. ड्रैगन स्लाइड से हम क्या करते हैं, वी कैन मूव द आइटम अराउंड द स्क्रीन. स्क्रीन के अराउंड वॉट वी कैन डू, वी कैन मूव द आइटम. ठीक है, नाउ स्वाइप. स्वाइप का मतलब क्या, स्क्रॉल. अब जैसे मुझे मान लो इस पेज को स्क्रॉल करना है, तो देखो मैंने क्या किया, स्क्रॉल किया इस तरह से. आई हैव जस्ट स्क्रॉल्ड इट. ओके, स्ट्रेच. अब मुझे मान लो ये स्क्रीन जो आपको अपने लैपटॉप जिसको मुझे बड़ा करना है, तो देखो मैं अपने लैपटॉप के टच पैड पे इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, तो देखो क्या हुआ, ये बड़ा हो गया है ना. और अभी मैंने जब इसको पिंच किया, मूव टू फिंगर क्लोज किया, तो क्या हुआ, ये जूम आउट हो गया. तो मतलब ये जूम इन और जूम आउट के लिए है. ठीक है, दिस इज तो वेरी इजी. नाउ मूविंग अहेड, नाउ द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस दैट वी हैव टू रीड हियर इज माइक्रोफोन. नाउ व्हाट इज अ माइक्रोफोन? अ माइक्रोफोन इज अ वॉइस इनपुट डिवाइस यूज्ड टू सेंड योर वॉइस इनटू द कंप्यूटर. यू कैन यूज अ माइक्रोफोन फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग दैट सपोर्ट voice conversation
chat rooms that support voice chat and voice recognition. Got it? Microphone, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये वीडियो कैसे आप तक पहुँच पा रहा है? You can get this video with the help of हाँ, माइक्रोफोन की मदद से क्या हो रहा है, मेरी आवाज मेरे लैपटॉप तक जा रही है और फिर आप उसको क्या कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो. ओके, मूविंग अहेड. Now, after discussing about the input devices, the next topic of the day is output devices. Okay? So, an output device is a device, is a hardware component that conveys the information to a user. So, commonly used output devices are displays devices, there's a monitor, printer and speaker. अब देखो, output devices वो होते हैं जहाँ पे हमें result मिले, ठीक है? जहां पे हमें क्या मिले, रिजल्ट मिले, व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम एज अ आउटपुट डिवाइस. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज मॉनिटर. ठीक है, मॉनिटर इज द फर्स्ट वन. सो व्हाट इज अ मॉनिटर, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक द टेलीविजन स्क्रीन. जैसे देखो, मॉनिटर सीम्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. ठीक है, इट डिस्प्लेज द वर्क डन बाय यू और द इंफॉर्मेशन यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली एंड इज डिस्प्लेड फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर एग्जिस्ट कैसे करती है, इलेक्ट्रॉनिकली करती है एंड इज डिस्प्लेड फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम. जैसे अभी आपके स्क्रीन पे ये पेज दिख रहा है, अभी मैं इसको क्लोज कर दूँ तो दूसरा पेज आ जाएगा. राइट, तो दिस वर्क्स लाइक दिस, ये इस तरह से कुछ काम करता है. आपका जो भी मॉनिटर होता है वो आपको क्या दिखाता है, रिजल्ट शो करता है. ठीक है, फॉर दिस रीजन इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर इज ऑल्सो रिफर टू एज अ सॉफ्ट कॉपी. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ सॉफ्ट कॉपी. मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीन. मॉनिटर को हम और क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज स्क्रीन, डिस्प्ले, वीडियो स्क्रीन और वीडियो डिस्प्ले यूनिट एक्सेट्रा. मॉनिटर के देखो कई सारे नाम हैं, उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं. जैसे कभी समटाइम वी कॉल इट स्क्रीन, हम बोलते हैं ना क्लास में भी कि बेटा स्क्रीन पे देखिए, क्या स्क्रीन विजिबल है आपको. तो फर्स्ट इज स्क्रीन, नेक्स्ट इज डिस्प्ले, नेक्स्ट इज वीडियो स्क्रीन एंड अदर वन इज वीडियो डिस्प्ले यूनिट एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज प्रिंटर. सो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट गिव्स द आउटपुट ऑन अ फिजिकल मीडियम सच एज पेपर कॉल्ड प्रिंट आउट. द इंफॉर्मेशन वी गेट एज अ प्रिंट आउट ऑन पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेस प्रिंटर. देखो प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है. ये जो भी हमारा सॉफ्ट कॉपी का काम होता है वो हमें किस पे देता है, इट गिव्स इट ऑन हार्ड कॉपी. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज वॉट, लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर, दिस प्रिंटर यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू प्रिंट टेक्स्ट और इमेज ऑन पेपर. ठीक है, लेजर प्रिंटर इज वॉट, लेजर प्रिंटर यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू प्रिंट टेक्स्ट और इमेज ऑन द पेपर. इट गिव्स द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट. ध्यान दीजिएगा, विच प्रिंटर गिव द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट. सो द लेजर प्रिंटर गिव द लेस्ट एंड इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑल्सो. नाउ दो बातें हैं, एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, एक्सपेंसिव भी है ये प्रिंटर, प्लस और क्या है, ये बेस्ट क्वालिटी भी दे रहा है. यहाँ पे क्या कर रही है, बेस्ट क्वालिटी भी दे रहा है, बेस्ट क्वालिटी आउटपुट भी दे रहा है. द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिवन इज पीपीएम. स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिवन इन पीपीएम. पीपीएम इज और पेजेस पर मिनट.
Now, the next type of printer that we have to discuss here is inkjet printer. The next printer that we have to discuss is inkjet printer. Now, देखो यहाँ पे लेजर प्रिंटर था, नाम से ही क्लियर था कि लेजर प्रिंटर है, मतलब लेजर लाइट के टेक्नोलॉजी से यहाँ पे प्रिंटिंग होती है. हमने देखा कि ये बहुत महंगा होता है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव होता है. नाउ इंक प्रिंटर, नाउ दिस प्रिंटर आउटपुट टेक्स्ट एज इमेज बाय स्प्रेइंग इंक ऑन द पेपर. पेपर पर इंक को स्प्रे करके ये वर्क करते हैं. इंक जेट प्रिंटर प्रोड्यूसेस अ टेक्स्ट एंड द ग्राफिक इन बोथ ब्लैक एंड वाइट कलर. ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में भी काम करते हैं, कलर में भी इंक जेट प्रिंटर काम करता है. अब देखो द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिवन इन लाइन पर मिनट. ठीक है, ये होता है द स्पीड ऑफ दिस पेज पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने पेजेस प्रिंट होते हैं, और यहाँ पे क्या है कि एक मिनट में कितनी लाइंस प्रिंट हो रही हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. अगला पॉइंट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. दिस प्रिंटर कंटेन्स मूवेबल हेड. सी दिस प्रिंटर कंटेन्स मूवेबल प्रिंट हेड विद द पिंस दैट स्ट्राइक द रिबन प्लेसिंग द डॉट ऑन द पेपर. मतलब ये ऐसे जैसे डॉट की तरह ये काम करती है, कि डॉट दे दे के ये काम कर रही है. ठीक है, तो अब आगे क्या, दिस प्रिंटर्स आर लेस एक्सपेंसिव बट आर वेरी नॉइजी. दिस प्रिंटर्स आर लेस एक्सपेंसिव बट दिस प्रिंटर्स आर वॉट, दिस प्रिंटर्स आर वेरी नॉइजी. दीज प्रिंटर्स आर द लेस एक्सपेंसिव, दीज आर वेरी लेस एक्सपेंसिव बट आर वेरी नॉइजी. द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिवन इन सी पी एस कैरेक्टर पर सेकेंड. ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन बहुत नॉइजी होते हैं, क्योंकि देखो जब ये एक एक डॉट का पे स्ट्राइक करेंगे तो वॉट विल हैपन वेन इट वेन दे विल स्ट्राइक ऑन ईच ऑफ द डॉट, सो वॉट इट विल लीड टू द ग्रेट नॉइज. ठीक है, नेक्स्ट इज वॉट स्पीकर्स. द स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेज दैट प्रोड्यूस म्यूजिक स्पीच और अदर साउंड दैट योर कंप्यूटर जनरेट ऑफ द प्रोसेस. जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, आपको ये आवाज़ जो सुनाई दे रही है वो सुनाई दे रही है विद द हेल्प ऑफ योर स्पीकर ओनली. ठीक है, स्पीकर पे आपको सुनाई दे रही है. सो द स्पीकर्स आर वॉट, स्पीकर्स आर द आउटपुट दैट प्रोड्यूस म्यूजिक स्पीच और अदर साउंड दैट योर कंप्यूटर जनरेट और द प्रोसेस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट मूविंग अहेड. सी प्रिंटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. प्रिंटर्स की दो कैटेगरीज हो सकती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर एंड द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. प्रिंटर दैट हैव डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंटर हेड एंड पेपर आर नोन एज इम्पैक्ट प्रिंटर. जो जिस प्रिंटर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है प्रिंटर हेड और पेपर से, उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं. प्रिंटर दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड पेपर आर नोन एज नॉन डायरेक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. ठीक है, अभी इनपुट डिवाइस देख लिया एंड वी हैव सीन द आउटपुट डिवाइसेस. द नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस. द स्टोरेज डिवाइसेस इनेबल्स यू टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन. इट इनेबल्स यू टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन. दे कैन होल्ड डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज. द डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस आर, फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क ड्राइव. द फर्स्ट वन इज वॉट हार्ड डिस्क ड्राइव. ना हार्ड ड्राइव के बारे में आपको पता है, हार्ड ड्राइव क्लास फोर्थ में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था. लेट अस रीड इट वंस अगेन. अब देखो इसकी स्टोरेज देखो, तो
500 GB to 8 TB तक है. सो द हार्ड ड्राइव ऑल्सो कॉल द हार्ड डिस्क ड्राइव और द हार्ड डिस्क इज योर कंप्यूटर मेन परमानेंट स्टोरेज एरिया. द हार्ड ड्राइव सिट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस एंड स्टोर योर प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट. इट इज अ डिस्क पैक दैट कंसिस्ट मेनी इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर पैटर्न दैट यूज मैग्नेटिक पार्टिकल टू स्टोर डेटा. ठीक है, मतलब ये इस तरह से काम करेगा कि इनके अंदर डिस्क के अंदर कई सारे फ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेटर्स हैं. वो क्या यूज करते हैं, दे यूज द मैग्नेटिक पैटर्न मैग्नेटिक पार्टिकल टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन. मोस्ट करेंट हार्ड ड्राइव हैव स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ अराउंड 500 GB टू 8 TB तक की स्टोरेज कैपेसिटी होती है. ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि ये हार्ड ड्राइव की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी हो रही है, 500 GB टू 8 TB. नाउ द नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डिस्क. सी दीज आर द डिस्क. एन ऑप्टिकल डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट राउंड पोर्टेबल डिस्क मेड ऑफ मेटल प्लास्टिक और लेक्वेयर दैट इज रिटन एंड रीड बाय द लेजर. ठीक है, मतलब देखो ये सीडीज की तरह ही आपको दिखेंगी. ठीक है, बट दीज आर द ऑप्टिकल डिस्क. ये एक तरह की स्टोरेज डिवाइसेस है, फ्लैट होती है राउंड पोर्टेबल. पोर्टेबल मीन्स यू कैन कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. सम ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट आर रीड ओनली. ठीक है, मतलब आप खाली उसे रीड कर सकते हो, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते. द यूजर कैनॉट राइट सेव ऑन द मीडिया. अदर इज रीड राइट विच अलाउ यूजर टू सेव डेटा ऑन द डिस्क जस्ट दे हैव सेव्ड इन ऑन अ हार्ड ड्राइव. कुछ ऐसी डिस्क होती हैं जिनमें आप कॉपी नहीं कर सकते डेटा को, बट कुछ ऐसी भी हैं जहां पे आप डेटा को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो या सेव कर सकते हो. ठीक है, नियरली एवरी पर्सनल कंप्यूटर टूडे हैज सम टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इंस्टॉल्ड इन इट सिस्टम यूनिट. नेक्स्ट इज वॉट कॉम्पैक्ट डिस्क. ठीक है, अभी ऑप्टिकल डिस्क की तरह ही अगला इज वॉट कॉम्पैक्ट डिस्क. अभी कॉम्पैक्ट डिस्क में भी क्या है कि कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ फ्लैट राउंड पोर्टेबल मेटल स्टोरेज मीडियम दैट इज यूजली 4.7 इंचेस इन डायमीटर. सी सीडी तो आपके सपने देखा होगा. टू बेसिक टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क डिजाइन टू यूज विद द कंप्यूटर्स आर, पहली हो गई सीडी रोम एंड दूसरी हो गई डीवीडी रोम. सीडी रोम एंड द डीवीडी रोम. A CD-ROM, which is an abbreviation of compact disc read-only memory, is a compact disc that may contain text, graphic and video as well as a sound. That may contain text, graphic and videos or just sound bhi. A CD-ROM can hold up to 700 MB of data, instruction and information. CD-ROM kya kar sakti hai? Itne tak ki information ko store kar sakti hai. CD-ROM drive is used to read the data from the CD-ROM disk. अब देखो CD-ROM reader भी होते हैं जिनको भी what we call them CD-ROM drive. और इससे क्या कहते हैं CD-ROM disk की आप क्या कर सकते हो, information को आप ले सकते हो. अब देखो इसकी memory में difference देखो. CD-ROM जो है वो 700 MB तक ही होती है. वहीं पे जब हम बात करते हैं DVD-ROM की तो वो 4 GB से 7.5 GB तक ही होती है. 4 GB तो 7.5 GB तक की इसकी स्टोरेज होती है. ठीक है, ओके. डीवीडी रोम ड्राइव इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम द डीवीडी रोम डिस्क. फाइन, तो यहाँ पे बात हुई सीडी रोम और डीवीडी रोम की. अब देखो आगे कुछ और चीजें हैं जैसे कि रिकॉर्डेबल सीडी, रीराइटेबल सीडी एंड डीवीडी, ब्लू रे डिस्क. ठीक है, वी हैव टू रीड अबाउट देम ऑल्सो. फाइन, अभी हमें इनके बारे में पढ़ना है. एंड देन या वेरी लेस इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर. आई होप वी विल कंप्लीट इट बाय द नेक्स्ट वीडियो. फाइन, सो क्लास दिस इज इट फॉर टुडे एंड द लेफ्ट ओवर द टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर कमिंग क्लासेस.